हाय गाइस, इस वक्त हम लोग हैं होशंगाबाद में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। नर्मदा जी के दर्शन के लिए हम भाई लोग यहाँ पर इस वक्त आए हैं नर्मदा जी के पास। तो आप भी आए नर्मदापुरम और एंजॉय करें और दर्शन करें और अपनी लाइफ को पूरी एंजॉय के साथ जिए। बारिश पे ज़रूर आए, बारिश का मज़ा लें। गाइस, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त हम लोग पोहा और जलेबी खाने वाले हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, क्योंकि 8:30 और हम खाने आए पोहा जलेबी। अग्रवाल होटल, ये अग्रवाल होटल है, यहाँ की बहुत ही फेमस होटल। और यहाँ पर जो है पोहा और जलेबी जो है बहुत ही ज़्यादा बिकता है। और अभी आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में, थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अभी स्टार्ट हुआ है काम और तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। पंकज भाई क्या बोलना चाहेंगे? मस्त पोहा मस्त जलेबी मिलती है यहाँ पर। इस वक्त पंकज भाई जो है पोहा खा रहे हैं। पंकज भाई, पोहे का अनुभव बताएं। तो दोस्तों, अग्रवाल होटल जब भी आप आए तो ITI रोड पर अग्रवाल होटल के अंदर ज़रूर है। आप देख सकते हैं हमारे संदीप भाई। संदीप भाई कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश में पानी का मजा ले रहे हैं। आप भी आइए बारिश में, बहुत अच्छा लगता है। अभी वापस तक जाएंगे तो आपको नर्मदापुर पे ले चलेंगे और तवा रिसोर्ट भी जाएंगे थोड़े टाइम। हाय गाइस, आप देख सकते हैं कि होशंगाबाद में हम लोग सेठानी घाट पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप आएँ तो दर्शन के लिए जो है फूल की माला या जो भी है वो लेकर जाएँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फूल आप देख सकते हैं जो आपको रुकने पर मजबूर कर देंगे। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त फूल जो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को, मतलब अपने यहाँ देखने को बहुत कम मिलेंगे, मगर यहाँ पर जो है आपको एक से बढ़कर एक फूल मिलेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। हर वैरायटी के फूल है यहाँ पर, हर वैरायटी के फूल उपलब्ध है, बड़े बड़े गुलाब। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं इस वक्त और हम लोग बिल्कुल सेठानी घाट के पास पहुँच चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें स्वयं वर्सेस वाइल्ड के इस वीडियो के साथ। हाय गाइस, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग आ गए सेठानी घाट की। ये जो गेट आपको बैक साइड में दिख रहा है ये है यहाँ का एंट्री द्वार। तो चलते हैं और साथ ही है हमारे साथ पंकज भाई। पंकज भाई कैसा लग रहा है आपको नर्मदापुरम में आकर? बहुत शानदार लग रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे अच्छा सबसे बढ़िया शहर होशंगाबाद घूमने लायक। अब आपको बता दूं कि होशंगाबाद का जो नाम है वो चेंज हो चुका है नर्मदापुरम में इस वक्त दोस्तों हम लोग हैं। और काफ़ी खूबसूरत यहाँ की घाट हैं और यहाँ की पूजनीय नदी नर्मदा जी, इनके दर्शन के लिए आप ज़रूर एक बार आएँ। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छे नज़ारे। हाय गाइस, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग सेठानी घाट पर आ चुके हैं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना बांके बिहारी मंदिर जो है इस वक्त बैक साइड में, बहुत ही प्यारा। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको और बने रहे हमारे साथ। हम होशंगाबाद में हैं, बैतूल से लगभग 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नर्मदा नदी जी बहती हुई है और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर और बहुत धार्मिक स्थल है। जैसा कि सबको पता है कि नर्मदा जी यहाँ से बहुत बड़ा पार्ट बना हुआ है, कम से कम 2 किलोमीटर का पार्ट बना हुआ है नर्मदा जी का। और हम लोग
वही देखने आए थे। अभी पानी बहुत शानदार, सब तरफ वातावरण बहुत अच्छा बना हुआ है। और आगे देखिए नदी, और इसके नर्मदा के परिक्रमा भी किए जाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं परिक्रमा, बहुत लंबे परिक्रमा होते हैं इसके, पैदल लगाए जाते हैं वो भी। और आरती पूजा, हर शाम को आरती पूजा सभी कुछ होता है यहाँ पर। बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, बेलपत्ती फूल सब अवेलेबल है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप नर्मदा जी का पार्ट कितना बड़ा है यहाँ पर। हम नीचे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप नर्मदा जी का पार्ट कितना बड़ा है यहाँ पर। हम नीचे जा रहे हैं, अभी पानी भरा हुआ है, बारिश बहुत हो रही है, तो भी पानी थोड़ा अभी तक साफ दिख रहा है। अभी बहुत शानदार दृश्य दिखिए आप, बहुत मंदिर दिख रहे हैं यहाँ पर, नाव चलती है और बहुत से पूजा पाठ होती है यहाँ पर, शिव जी के अभिषेक होते हैं, सब कुछ होता है। देखिए आप यहाँ पर बड़े बड़े रुकने की व्यवस्था भी बनी हुई, सभी के लिए यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी है। होटलें हैं और प्रतीक्षालय बने हुए हैं यहाँ पर। सामने एक गायत्री मंदिर, शक्तिपीठ का मंदिर दिख रहा है, गायत्री मंदिर है सामने यहाँ पर, गायत्री शक्तिपीठ का मंदिर। देखिए यहाँ पर पूजा की थाली लगी हुई है, इस थाली के द्वारा नर्मदा जी का पूजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर थाली है, फूल लगे हुए हैं, अगरबत्ती है, दिए की बत्ती लगी हुई है, इसको ले जाकर पूजन किया जाता है नर्मदा जी का। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत सी नाव भी चल रही है, यहाँ पर ले जाकर पूजन किया जाता है, और बहुत से लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ा पार्ट बना हुआ है, दूर दूर तक पानी फैला हुआ है पूरा। देखिए आप यहाँ से अखंड पानी भरा हुआ है यहाँ पर। देखिए आप ये थाली, पूजा की थाली है, मात्र 10 रुपये में मिल रही है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई, फिर भी भगवान की पूजन के लिए बस 10 रुपये में थाली मिल रही है। चलो चलते हैं पूजन करने। मैं बैतूल से आया हूँ अभी, और होशंगाबाद सेठानी घाट पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर नर्मदा नदी जी निकली हुई है और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य यहाँ पर देखने लायक, घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है होशंगाबाद में, जिसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया है। यहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और नर्मदा जी में स्नान करते हैं, नहाते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं आप कितना बड़ा पार्ट बना हुआ है, कितनी दूर तक के पार्ट फैला हुआ है नर्मदा जी का। ऐसे यहाँ पर 3-4 घाट बने हुए हैं, सेठानी घाट को छोड़कर और भी बहुत से घाट बने हुए हैं यहाँ पर। मंगलवारा घाट है, बहुत से घाट बने हुए हैं यहाँ पर। हर घाट पर स्नान होता है और हर घाट पर पूजा अर्चना होती है। दोस्तों सैम वर्सेस वाइल्ड के एक नए वीडियो के साथ आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग हैं नर्मदापुरम में, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हल्दी और कुकू सिंदूर, इस वक्त आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत यहाँ पर जो बना हुआ है, कितने खूबसूरत ये रंग बिरंगे पहाड़ की तरह सिंदूर, बहुत ही खूबसूरत ये दुकानें, बहुत ही खूबसूरत नर्मदापुरम। देख सकते हैं यहाँ पर मैं नर्मदापुरम होशंगाबाद में हूँ अभी। यहाँ पर शॉप लगी हुई है, कड़े की मूर्ति है, बहुत सारे भगवानों की मूर्ति बनी हुई है, सब कुछ है, दिए रखे हुए हैं आरती के, और एंटीक एंटीक चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आइए पधारिए नर्मदापुरम में।
आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो है नर्मदापुरम में हैं, जो कि पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो चुका है, और उसके पहले भी नर्मदापुरम ही था। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। इसको बोलते हैं गुड़गुड़ी और हाथ गाड़ी। बहुत ही खूबसूरत इसके कलर और बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी तरीके से चलती भी है, और बच्चे जो है इससे चलना सीखते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और देखते रहे सेम वर्सेस वाइल्ड के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हाथ से बने हुए बहुत सारी घरेलू सामग्री, जिसे हम सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मेहनत से ये चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगती हैं। आप देखिए ये रंग बिरंगी चीज़ें हमारे दिल को छू लेती हैं। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंडी, जिसे शिवलिंग बोला जाता है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक फेमस मंदिर जो है सेठानी घाट पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कलात्मक डिज़ाइन में ये बना हुआ है। यह राधा और कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप। अभी आप है विवेकानंद घाट, इसका पहले का नाम था घोड़ा साफी घाट, और अभी इसके पहले आप गए थे सेठानी घाट। चलिए आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अपन घाट। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखो बहुत ही शानदार घाट है। यहाँ पर सभी लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, बहुत शानदार घाट है। आप भी लुत्फ उठाइए ऐसा, कभी आइए नर्मदापुरम होशंगाबाद, बहुत शानदार घाट है। देखिए आप भी इसका नज़ारा, कम से कम 2-4 किलोमीटर का पार्ट बना हुआ है इसका, वो भी देखिए आप आकर। और यहाँ हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है, हमेशा आइए पूजा अर्चना कीजिए और नर्मदा जी का आशीर्वाद लीजिए। हेलो दोस्तों, अभी आप हैं नर्मदापुरम में विवेकानंद घाट पे। देखिए कहाँ तक पानी आ चुका था, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था यहाँ पर, इसलिए ऊपर तक के सीढ़ियों तक के पानी चढ़ चुका था यहाँ पर। और अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं पूरी मिट्टी जमा हुआ है, पार्ट बहुत 2 किलोमीटर लंबा पार्ट है अभी नर्मदा जी का। मिट्टी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना आया था। ऊपर तक देखिए सीढ़ी पे, ये आप पूरी मिट्टी जमी हुई है, मिट्टी में कड़ा हुआ हूँ मैं भी, काली मिट्टी जमी हुई है नदी की पूरी यहाँ पर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की, साथ में धूप भी अच्छी लग रही है। देखो नदी, देखो बाव, देखिए आप बाव चलाए माने पूरा, बहुत बड़ा पार्ट है इसका, लगभग 2 किलोमीटर का। देखिए दोस्तों इस वक्त हम लोग हैं विवेकानंद घाट पर, जो कि है सेठानी घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं इस वक्त जी है नर्मदा नदी जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अभी पानी शबाब पर है, और काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा। पंकज भाई, संदीप भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और सेम वर्सेस वाइल्ड की पूरी टीम इस वक्त होशंगाबाद नर्मदा जी के दर्शन के लिए आई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लोग और ये जहाँ पर आए हैं ये जगह। आप अभी खड़े हैं घाट पर, ये होशंगाबाद है, यहाँ पे बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, इसमें तू तपाट बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल आप और अदब से बोला जाता है, ठीक है। और
यहाँ हरियाली हमेशा रहती है, पानी हमेशा रहता है, पानी की कमी कभी नहीं होती है। गाइस काफ़ी मज़ा आया देखिए, और अब हम चल रहे हैं रोड की ओर, वहाँ से हाईवे पकड़ेंगे और सीधे चलेंगे बैतूल की ओर, क्योंकि आपको पूरे घाटों के दर्शन हम लोग करा चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा, दिल को एक सुकून सा लगता है और आत्मा की एक तृप्ति होती है कि हमें यहाँ पर आना चाहिए, हमारी दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इसी के साथ सैम वर्सेस वाइल्ड की ये टीम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि युवा लोग जो अपने घूमना फिरना बंद कर चुके हैं और जो घूमना फिरना बंद कर चुके हैं, या जो लोग नशे की लतों में या और भी चीज़ों में मुफ्तला हैं, वो अच्छे काम करें, घूमें, इंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि लाइफ का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, है ना। हम अगर रात में सोते हैं तो सुबह उठेंगे, इसकी गारंटी ख़त्म हो चुकी है। कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखा के गया है, उसके बाद भी लोग इन्जॉय करना लाइफ को भूल चुके हैं, तो आप इन्जॉय करें और खुश रहें और अपने लिए दूसरों के लिए हेल्प करते रहें, मदद करते रहें। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं जो पहाड़ी कटी है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है दोस्तों, बहुत ही अनबिलीवेबल, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारे हमारे सतपुड़ा की वादियों के। बने रहे हमारे साथ वीडियो में दोस्तों, कुछ ही देर बाद तवा रिजॉर्ट आपके बीच, बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य। हाय दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हाय गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, सतपुड़ा की वादी घूम रहे हैं, सतपुड़ा की वादियों घूमने गए थे हम लोग, होशंगाबाद नर्मदापुरम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया घूमने में। अब हम लोग ढाबे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, कोई ढाबा मिलता तो हम लोग खाना खाते हैं। और साथ ही दोस्तों हाईवे जो है अब काफ़ी सुधर चुका है, देखो सामने का व्यू देखना है तो, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी आते तो बहुत अच्छा लगता। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आपको हमेशा मिलते रहे। तो पंकज भाई आप सुनाइए, क्या सुनाना चाह रहे हैं कुछ? बस हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा सफ़र रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, बहुत सारा घूमे हम लोग। तो अब करते हैं वीडियो का एंड, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पंकज भाई, संदीप भाई क्या बोलना चाहेंगे एंड में? चार्ज, वेरी गुड। में स्पेशल बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। स्पेशल चार्ज और खिचड़ी, आइए टेस्ट करिए।